भूपेश, कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने देसी मदिरा पर 10%, जो 10 प्रति बोतल, और साथ ही साथ सभी प्रकार की विदेशी शराब पर 10% का जो कोरोना टैक्स अब लगा दिया है। कैबिनेट मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम आपने बताया कि प्रदेश में 40 अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाएंगे, वहीं 10वीं और 12वीं के छात्रों को आईटीआई में ट्रेनिंग दी जाएगी, और 12वीं का प्रमाण पत्र के साथ छात्र को आईटीआई ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मई से राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत होगी, और डिफरेंस की राशि किसानों को 4 किस्तों में मिलेगी। एथेनॉल बनाने को लेकर सरकार ने मंजूरी दी है, जो भी फैक्ट्री 6 महीने में प्रोडक्शन शुरू कर देगी, जो कि वहां की कंपनियां हैं, और उसके लिए 2 करोड़ रुपए का अनुदान का फैसला भी लिया गया है। आज कैबिनेट में तय हुआ कि प्रदेश में सभी जिलों में कम से कम इंग्लिश मीडियम की स्कूल जो प्राइमरी से लेके 12वीं तक की हों उसको संचालित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि अंग्रेजी आदि जो भी प्रतियोगिताएं होती हैं, प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, उसमें अंग्रेजी का एक महत्व होता है। और बहुत से जो निजी स्कूलें हैं वो लोग केवल अंग्रेजी पढ़ाई होती है, इस कारण से बच्चे वहाँ पर शिफ्ट होते हैं। तो सरकार भी ये प्रयास कर रही है कि इंग्लिश मीडियम के माध्यम से जो स्कूल खोले जाएं, अभी प्रयोग के तौर पर 40 स्कूल खोले जाएंगे।